मेरे ख्याल से ये जानबूझ के हो रहा है। ये जो महाअघाड़ी है महाराष्ट्र में, वो महाअघाड़ी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उसमें एक बड़े पैमाने पे एकता आ गई है। शिवसेना, एनसीपी, तीनों पार्टियां बहुत ज़ोरदार, एक जो उनके वज्रमूठ करके जो आंदोलन चल रहा है, हर जगह जो मीटिंगें हो रही हैं, उसको जो रिस्पांस मिल रहा है उसका डर है, एक एक बात है। दूसरा ऐसा कि कोर्ट में केस चलिए तो आगे जाके अगर कोर्ट ने कुछ लोगों को कि ये सदस्यता रद्द की तो क्या होगा, ये भी डर है। इसकी वजह से लोगों को ये करके अपने पास लेने की कोशिश हो रही है। और जो रिपोर्ट आया है सर्वे का, उसमें ऐसा है कि महाअघाड़ी आगे आने वाले इलेक्शन में 42 सीटें हैं हमारे इधर महाराष्ट्र में, 42 में से उनको 5-6 सीटें भी नहीं मिलेंगी। ये सुनने के बाद वो डर गया है, इसलिए ये माहौल तैयार कर रहे हैं, कोई कहाँ नहीं जाएगा। तो इसके अलावा कि अब माफिया किसी को थ्रेटन नहीं कर सकता। पहले लोग माफियाओं से डरते थे, आज माफिया से स्टेट डरता था, लेकिन आज स्टेट जो है उससे माफिया डरता है, उससे माफिया डरता है। इसका इसका मतलब ये है कि अभी माफिया खाली एक पार्टी के है, बाकी के पास कोई माफिया नहीं। अभी स्टेट ही माफिया का ये माहौल चला रहा है। ऐसा है, कोई गैर काम करता है, कोई गुंडागिरी करता है, लोगों को फंसाने का काम करता है, तो उसको सज़ा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कौन को, कौन किसके मजहब का है, कौन कोटी पार के का है, ये देखना बिल्कुल गलत है, पुलिस ने ये करना चाहिए। लेकिन कानून पुलिस ने हाथ में लेना बिल्कुल गैर है। यूपी में जो हो रहा है वो कानून पुलिस ने हाथ में लिया है। कानून जब पुलिस हाथ लेती है, कानून के खिलाफ पुलिस जब काम करने लगती है, तो एक तरह से स्टेट पावर खत्म होती है। उनको, चीफ मिनिस्टर को समझ में आना चाहिए कि आपका कुछ नहीं चलता, पुलिस ही चल सब सब हो रहा है। कल ये पुलिस आपके खिलाफ भी जा सकेगी। पुलिस को कानून तोड़ने का अधिकार मत दो, इस देश में ये नहीं दिया गया है। मैं उनको, आदित्यनाथ जी को कहूँगा, जरा धीरे से, ज़्यादा गड़बड़ मत करो। आखिरी सवाल, सारे करप्शन अभी एक पार्टी में हो गया है। अभी जो जो करप्ट थे वो उनके पास गए ना, बाहर अपोजिशन में करप्ट कौन रहा है, सारे करप्ट उधर हैं। करप्ट नहीं होंगे तो बार बार राहुल जी सवाल उठा रहे हैं कि 2000 करोड़ किसके हैं, कहाँ से आए, इसके इसका जवाब दीजिए। 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, क्यों नहीं बोलते? वो 20,000 करोड़ के बारे में इतना आता नहीं कि इतना बड़ा कैसा कि दुनिया में 2 नंबर का अमीर बन गया, इतने थोड़े से सालों में, 10 साल भी नहीं हो गए। इसका मतलब ऐसा, करप्शन कहाँ है, करप्शन की गंगा गंगोत्री अभी बीजेपी के इधर है, ये ध्यान में रखिए। वहाँ अपोजिशन में कोई करप्ट बिरप नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।